तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस हमदर्द साफी सिरप के बारे में, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह के पैक में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस हमदर्द साफी सिरप के क्या क्या फायदे हैं, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ये हमारे फेस पे हमारे स्किन पे कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसको लेने का सही तरीका क्या है, इसको एक दिन में कितने मात्रा में कितने डोज में लिया जाता है, यानी कि इसके बारे में टोटल जानकारी एकदम ए टू जेड डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे चैनल पर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए फ्रेंड बिना देर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये साफी सिरप कुछ इस तरह के पैक में देखने को मिलता है, ठीक है, या ग्रीन कलर के पैक में कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। फ्रेंड ये जो साफी सिरप है यह हमदर्द कंपनी में बनाया था, ठीक है, हमदर्द जो कंपनी है यह एक आयुर्वेदिक कंपनी है, ठीक है, काफी ट्रस्टेड कंपनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस साफी सिरप पे लिखा क्या है, यहाँ पे क्या है, नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर, यानी कि ब्लड प्यूरिफायर का मतलब होता है खून साफ करना, ठीक है ना। तो जी हाँ फ्रेंड ये हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और हमारे खून को साफ करता है। तो फ्रेंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हमारे खून में जब गंदगी हो जाएगी ना, तो फ्रेंड खून में गंदगी होने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां देखने को मिल जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू या फिर फंगल इन्फेक्शन के थ्रू। इसके अलावा चेहरे पर भी देखने को मिलता है बैक्टीरियल पिंपल के थ्रू, ठीक है, यानी फ्रेंड खून में गंदगी होने के कारण हमारे जो शरीर पे फंगल इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि मतलब दांत खाज खुजली दिनाव ये सब काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है, जो फ्रेंड ये जल्दी से ठीक ही नहीं हो पाता है। कितना हो दवा खा लीजिए, कितना हो कुछ भी कर लीजिएगा, आपके शरीर से फंगल इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। या फिर इसके अलावा चेहरे पे बैक्टीरियल पिंपल की बात करें, तो फ्रेंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हमारे चेहरे पे एक बार पिंपल निकल जाता है तो फिर वो जल्दी ठीक ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। कितना हो आप मतलब कि तरह तरह के क्रीम्स लगा लेते हैं, तरह तरह की कितना सारे ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, फिर भी आपके चेहरे से पिंपल गायब नहीं होता है, ठीक है, तो फ्रेंड वो बैक्टीरियल पिंपल के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड उन सब कंडीशन में अगर आप एक बार साफी सिरप इस्तेमाल कर लेते हैं कंटिन्यू 21 डेज का इसका कोर्सेस रहता है, ठीक है ना। 21 डेज अगर आप इस हमदर्द साफी सिरप को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका खून साफ हो जाएगा, ठीक है ना, या आपके ब्लड को प्यूरीफाई कर देगा, तो आपको काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड आप एक बार और समझ लो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड अगर आपके शरीर में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, और आप इसे लंबे समय से परेशान है, बहुत सारे दवा का इस्तेमाल कर लें ठीक नहीं पा रहा है, या फिर आपके स्किन पे काफी लंबे समय से पिंपल्स निकल चुका है, या फिर कई तरह के अलग अलग प्रकार के फोड़े फुंसी हो जाते हैं, दाग धब्बे निकल जाते हैं और जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है ना, तो उन सब कंडीशन में आप इस एक बार हमदर्द साफी सिरप का इस्तेमाल करो। ये आपके बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में जाने के बाद ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगा, ब्लड को साफ करेगा, उसके बाद आपके जो शरीर में जो भी मतलब कि गंदगी है यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो ठीक हो सकता है, ठीक है ना। फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड सबसे पहले आप बात समझ लो, इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सुबह और शाम करके। फ्रेंड इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको थोड़ा सा एक गुनगुना पानी लेना है, या फिर आप नॉर्मल पानी से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें नॉर्मल थोड़ा सा पानी लेना है और इस आधा गिलास पानी में आपको इसमें से 5 ml थोड़ा सा डाल लेना है, ठीक है, और डालने के बाद एकदम थोड़ा अच्छे से मिलाकर इसको पी लेना है, ठीक है ना। फ्रेंड काफी ज्यादा कड़वा लगता है, ठीक है ना, बट कड़वा लगता है लेकिन ये हमारे मतलब शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, ठीक है, इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छा रहता है। फ्रेंड इसका कोर्स रहता है 21 दिन का, ठीक है, 21 दिन ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बात को ध्यान सुनना, ठीक है ना, अगर आपके शरीर में पहले से कोई बीमारी है, पहले से किसी भी चीज का दवा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, या फिर आप एक महिला हो, आप प्रेग्नेंट हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले किसी डॉक्टर से जाकर संपर्क कर, उनसे डिस्कस कर लेते हो, आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए सेफ और सुरक्षित रहेगा, ठीक है, तो आप ये काम जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो इस वीडियो आपको बताऊँ आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आपके वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल पर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑन करना ताकि जो भी मैं ऐसे वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और नए वीडियो तक, बाय, जय हिंद, जय भारत।